भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना भुगतान, बिजली दरों में बढ़ोतरी व तहसील कर्मचारियों द्वारा कमीशन के आरोप को लेकर तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रामपाल सिंह चौहान। किसान यूनियन में क्या पता? यूनियन से मंडल उपाध्यक्ष हूँ। आज जो आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, तहसील में क्या है पूरा मामला? मामला किसानों के भुगतान का है। किसानों के गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। हमारे यहाँ गन्ने की मेन पैदावार है और किसान की बहुत बुरी हालत हो रही है। अभी दिसंबर तक का पेमेंट हुआ है। जो इन्होंने नीति बनाई है, 400 करोड़ रुपए का हमारा भुगतान रुका हुआ है। उसके विरोध में जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा, हम इस धरने पर बैठे हैं और धरना चलाते रहे। ये धरना जो है अनिश्चित धरना है या किस तरह? जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार कार्य लिया जाएगा। हमारे बड़े जो हमारे राष्ट्रीय सचिव चौधरी सतवीर सिंह हैं और जो हमारे जिले के संगठन के लोग हैं, वो जैसा भी निर्णय लेंगे उसमें बैठ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर सिंह है, किसान यूनियन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। और ये आज जो धरने पर बैठे हैं आपके कार्यकर्ता, आप क्या मामला है पूरा? ये मामला एक नहीं है, ये मामला है गन्ने का पेमेंट है। किसान जो कहते कह रहे 35% मिला है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये जो है 10 महीने में भी पूरा नहीं होगा किसानों का पेमेंट। इसके अलावा जो है बिजली विभाग ने कई करोड़ रुपया जो है खा लिया है किसानों का और बिल दे दिए हैं, दोबारा बिल भेजे जा रहे हैं, तो हमें बिजली वाले भी ठीक करने हैं। इसके अलावा जो यहाँ ऊपर बैनामा हो रहा है ऊपर, वो 2% 5% लेते हैं। इसके अलावा जो तहसील के कर्मचारी हैं वे जो है कहीं भी कहीं इनकी डंक लगाते हैं तो कम से कम 500 रुपये से 10,000 तक रुपये मांगते हैं। इनका भी हमें इलाज करना है आज यहाँ। और अगर जो है एसडीएम साहब चले गए नहीं आया यहाँ, तो एसडीएम का भी इलाज करना है हमें। हमसे वादा करके गया है कि सारे अधिकारी, कौन कौन से अधिकारी दिखाना, कागज देना। हाँ, ये हमने सब अधिकारियों को बुलवाया है, यानी जो है बिजली वालों को, पुलिस वालों को, आपूर्ति वालों को, रजिस्ट्री वालों को, इरीगेशन वालों को, इन सब बुलवाया है और उन्होंने कहा था कि हम बुला लेंगे। आज सारी बात उनसे होनी है और आज कोई ना कोई आप रहना, हम जो है गन्ना विभाग के अंदर गन्ने के लिए कोई ना कोई बड़ा धमाका करेंगे, ये बता देना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद शाखा कोलघट की ओर से गुरु वंदन छात्र अभिनंदन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि गुरु का सम्मान एवं प्राचीन काल के शिक्षा पा रहे बच्चों के संस्कार और आज की नई पीढ़ी के संस्कारों में कितना अंतर आ गया है। आज की पीढ़ी के बच्चे संस्कार नहीं निभा रहे हैं। ये प्रोग्राम गंगापुर सिटी के निजी स्कूल बचपन पब्लिक स्कूल में रखा गया था। इस कार्यक्रम में टॉपर विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। सर, ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत विकास परिषद शाखा कुशालगढ़ के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। जैसा कि नाम में ही पता है कि गुरु वंदन, गुरुओं का तो सम्मान किया जाता है और जो भी विद्यार्थी इस स्कूल में टॉपर हैं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, उनको हम सम्मान करते हैं प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह देकर, और गुरुजनों का भी सम्मान किया जाता है, इसलिए इसका नाम गुरु वंदन छात्र अभिनंदन है। जैसा कि हर साल हम लोग करते हैं, ये इस साल का तीसरा कार्यक्रम है। पहले भी हमने विवेकानंद संस्कार स्कूल में किया है और इसके पहले से शिक्षा निकेतन स्कूल में किया है। आज हमारा तीसरा कार्यक्रम बचपन पब्लिक स्कूल में है, जो कि ये भारत विकास परिषद चारों शाखाओं द्वारा किया जाता है। अब अपने अपने स्तर पर चारों शाखाओं द्वारा ये प्रोग्राम किया जाता है। सर, आपकी शाखा क्या क्या काम कराती है, क्या क्या सेवाएं देती है लोगों? भारत विकास परिषद शाखा, जैसा कि हमारी शाखा के अंतर्गत है, मोक्ष धाम चूली गेट वाला मोक्ष धाम, इसको हमने गोद ले रखा है। इसके अंतर्गत सारे मोक्ष धाम में जितने भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम लोग करते हैं, इसके सुंदरता के लिए टीन शेड लगवाना है, पेड़ पौधे लगवाना है, और भारत विकास परिषद के अंतर्गत प्याऊ लगाना है, और जो संस्कृति सप्ताह होते हैं, बच्चों के जर्सी स्वेटर जूते वगैरह देना, और गुरु वंदन छात्र वंदन प्रोग्राम करना, भारत को जानो एग्जाम जो कि परसों इस स्कूल में भी हुई है, भारत को जानो प्रतियोगिता, इसके अंदर भारत के इतिहास के बारे में बच्चों से एग्जाम ली जाती है, तो ये सारे प्रोग्राम इतिहास से संबंधित सारे प्रोग्राम हम भारतीय परिषद के तत्वावधान में किए जाते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे बनने के लिए, हमारे साथ बनने के लिए। प्रयागराज केडी इवेंट और एंटरटेनमेंट की ओर से प्रयाग फैशन फेम का ग्रैंड फिनाले शनिवार को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन हॉल में हुआ। शो के दौरान 22 प्रतिभागियों ने रैंप पर विभिन्न विधाओं में अपनी कलाएं दिखाई। प्रदर्शन के आधार पर प्रिया सिंह को प्रयाग आइकॉन के खिताब से नवाजा गया। प्रथम रनर अप नेहा शर्मा को चुना गया, जबकि स्मृति तृतीय रनर अप रही। सबसे बड़ी चीज है कि प्रयागराज में जो टैलेंट है देखने का मौका मिला, प्रयागराज के बच्चों में काफी टैलेंट है,
मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा केडी इवेंट्स को कि उन्होंने बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उनके टैलेंट को शोकेस करने का मौका दिया। तो वैसे भी मेरा फर्स्ट टाइम है प्रयागराज में, काफ़ी बार आ चुका हूँ, यहाँ से मुझे हमेशा रिस्पेक्ट और प्यार हमेशा मिलता है। सर प्रयागराज में पहला इवेंट था? प्रयागराज में केडी का पहला इवेंट था, बट मैं यहाँ काफ़ी इवेंट कर चुका हूँ प्रयागराज। थैंक यू। खेलो मत यार, प्लीज कम ऑन द फ्लोर कांचन, प्लीज कम ऑन द फ्लोर भाई। बरेली के बमनपुरी थाना किले से जहां मामूली सी कहासुनी पर दो भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई पर तेजाब फेंक दिया। बीच बचाव में अजीत की पत्नी किरण पर तेजाब गिर गया, जिसकी वजह से वह घायल हो गए, जिसमें उसके आधे से ज्यादा शरीर जल गया। अजीत ने इस मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मेरा नाम अजीत। अजीत क्या घटना हुई? सर ये बहुत दिन से खिजारत है, अब मैं आया था थका हारा आया, और सर इनमें बहुत, मैं गेट नहा धो के नीचे मतलब बैठा, बहुत हमारा भाई छोटा संजीव, संजीव ने क्या किया? सर मैं बैठा हुआ बाहर पहले खाना खा रहा था, तो इसने जो है जब हमसे पहले लड़ता रहा, बोला यहाँ से भाग और यहाँ से हट और अपने कमरे में जाके बैठ के खाना खा। तो मैंने सर मना कहा, ये ऐसा है भाई तुझे क्या मतलब पड़ा हुआ, मैं अपने गेट पर बैठा हुआ हूँ, तुझे क्या मतलब पड़ा ये बताइए। और फिर इसने जो है, नहीं मैं हटा तो इसने जो है तेजाब तुरंत मार दिया ऊपर के लिए। सर उसके पास होगा जी। ये किस दिन की घटना? जी सर ये बुध की रात की बात है, 11 बजे। थाने में शिकायत मैंने दी, मैंने एप्लीकेशन दी लिख के, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी की किल्लत के कारण सोलापुर शहर से 15 किलोमीटर दूर हिपरगा गांव के हिपरगा तालाब में उजनी धरण का पानी छोड़ा जाए, ये कोशिश कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक पानी नहीं छोड़ा गया। इस मांग को लेकर राष्ट्रीय छावा संगठन सोलापुर की ओर से सूखे तालाब के पास ही आमरण अनशन पर बैठ गए, लेकिन आज अनशन के दूसरे दिन भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। मैं सलीम शेख हिपरगा गाँव में हूँ, यहाँ आज उजनी धरण का पानी हिप्पर के तलों में आना बोलकर हमारे गांव के बाड़ू पाटिल उर्फ रतिकांत पाटिल, जो उन्होंने छावा संगठन की वजह से उनके तरफ से मोर्चा निकाले रहा है कि यहाँ जन उपोषण कर रहा है कि तलों में उजनी का पानी पड़ना बोलकर। तो ये तलों पर हमारे गांव के लोग है, खेती करते हैं, मच्छी पकड़ने वाले हैं, यहाँ का पानी 14 गाँव को जाता है। इसके आजूबाजू हगलोर उड़े काशीगाँव मारडी भोगाव बानेगाँव ये लोग है, सब यहाँ पर के मच्छी मारते हैं, उनकी उपासमार हो रही है, हमारे को मच्छी मारने की वजह से दूसरा कोई कारोबार आता नहीं है, इस पर सब हम सब निर्भर है। तो यहाँ सरकार को प्रशासन को सब हम जाके इसकी चौकसी करेला है, सब तरफ इसके कागजाव दे रहा है कि पानी उजने का छोड़ो, लेकिन 10-15 साल हुआ हमारे ये तालाब में पानी ही नहीं आ रहा। मी रतिकांत रामचंद्र पाटील, राष्ट्रीय छावा संघटना तालुका अध्यक्ष। संघटनेच्या माध्यमातून उजनेचे पाणी तळे हिपरग्यामध्ये पडण्यासाठी शासन दरबारी प्रशासन दरबारी खूप प्रयत्न केले, त्यामुळे आज आम्ही लास्ट म्हणजे उपोषणाच्या लास्ट निर्णय घेतला अमरण उपोषणाला बसण्याचा। ह्या तलावावरती बरेच गावं अवलंबून आहेत पाण्याची, आज पाणी प्यायला नाही आहे, आणि आमच्या तळ्यापासून फक्त 1.5 किलोमीटरवरती उजनीचं पाणी आहे कॅनलद्वारे आलेलं, ते फक्त उचलून तळावामध्ये टाकायचं पाणी। तेच कामासाठी आम्ही बरेच ठिकाणी प्रयत्न केले, सर्व ऑफिसला गेलो, जिल्हा परिषद कलेक्टर ऑफिस सगळीकडे जाऊन प्रयत्न केले, तरी ते काय काम झालं नाही आत्तापर्यंत। आज आमचा उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे, तरीही प्रशासकीय यंत्रणा किंवा शासकीय कोणीही आमच्यापर्यंत पोहोचलं नाही। उजनीचं पाणी तळ्यात पडल्याशिवाय उपोषण सोडायचं नाही असा आम्ही निर्धार केला।